लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार, लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अंग है 615। हुण तक 23 शब्द संपूर्ण होए ने। सोरठ महला पंजवां, करन करावण हार प्रभ दाता, पार ब्रह्म प्रभ स्वामी, सगले जी किए दयाला, सो प्रभ अंतर जामी। हांजी, सोरठ महला पंजवां, सोरठ महला पंजवां, करण करावण हार प्रभ दाता, करण करावण हार प्रभ दाता, पार ब्रह्म प्रभ स्वामी, पार ब्रह्म प्रभ स्वामी, सगले जी किए दयाला, सगले जी किए दयाला, सो प्रभ अंतर जामी, सो प्रभ अंतर जामी, मेरा गुर हुआ आप सहाई, मेरा गुर हुआ आप सहाई, सुख सहज आनंद मंगल रस, सुख सहज आनंद मंगल रस, अचार्य पई बड़ाई, अचार्य पई बड़ाई, रहाओ रहाओ। सोरठ महला पंजवा, करन करावण हार प्रभ दाता, पार ब्रह्म प्रभ स्वामी, सगले जी किए दयाला, सो प्रभ अंतर जामी। महाराज नाम दियां बरकतां इस शब्द विच सानू दसदे ने कि करन करावण हार प्रभ दाता, वो दाता प्रभु दाता देण वाला है। जिथे संसार दियां होर दातां देंदा है, नाम दी दात भी उही देंदा है। मत किते सिमरन करदे हां, पाठ करदे हां, दास ने बहुत बड़ी गल बेनती की कि जदों भी असी पाठ करदे हां, सिमरन करदे हां, बैठदे हां, तां उदों अपनी मैं नूं गल चों उतार दिओ, क्योंकि कराउण वाला ते उह है, उह वाहिगुरू अकाल पुरख करन करावण हार है सब कुछ। ते मैं कहने करन करावण हार प्रभ दाता, पार ब्रह्म प्रभ स्वामी, वो इस ब्रह्म तो परे है, प्रभु है, सारी सृष्टि का मालिक है, स्वामी है, सगले जी किए दयाला, सो प्रभ अंतर जामी। ये सारे जीव जिहड़े ने अगों हुण सहायता करन वाले कर दिते उसने, वो प्रभु साढ़े अंदर की हालत नूं जाणदा है। जे नीत साफ होवे ना, कहिंदे सारे ही काम सीधे हो जाते हैं। जे साडी नीयत उस मालिक नूं मिल लैंदी, फिर सारा कुछ ही नाच ना जाने, आंगन टेढ़ा नहीं तो फिर इंज रहिंदा है, मैं तो जी सिमरन करना सी आ नहीं करन दिंदा, मैं तो जी आ करना सी आ नहीं करन दिंदा, उदों फिर शरीर भी सहायता करदा है, दोस्त मित्र भी सहायता करन वाले हो जाते हैं, क्योंकि साडी नीयत साफ होनी चाहिए। वह प्रभु साडे अंदर की हालत नूं जाणदा है। जो साडी नीयत साफ है, असीं उहनूं सचमुच ही मिलना चाहुंदे हाँ, विखावा नहीं करना चाहुंदे, कहिंदे उदों फिर शरीर भी सहायता करदा है, उदों फिर दोस्त मित्र भी सहायता हो जाते हैं, सारे जिन्ने जीव जंतु ने तुहाडी सगों सहायता वाले हो गए, तुहानू नाल अगों ढारस देने वाले बन मिलणगे सारे। मेरा गुरु हुआ आप सहाई, देखो मैं कहने मेरा गुरु आप सहायता करन लई, आप सहायता वाला नाल होया, सुख सहज आनंद मंगल रस, अचरज भई बड़ाई। कहिंदे जदों गुरु ने सहायता की, बख्शिश की, आप कृपा की, अंदर हुण
सुख है, सुख ही सुख वरत गए, सहज विच आ गया, मन टकाव विच है, आनंद मंगल है। ते महाराज कहिंदे भाई उहदा रस आ गया नाम दा, जिहदी वडियाई हैरान कर देण वाली है। जदों गुरु ने कृपा कीती कहिंदे नाम दा फिर रस आउणा शुरू होया। नाम रस ऐसा रस है, ते महाराज कहिंदे जे विसर गए रस और जिन्हां नूं नाम रस आया दुनिया दे रसां नूं त्याग दित्ता उन्होंने उस वेले। उहदी अचरज हैरान कर देण वाली वडियाई ये गुरु ने कृपा कीती, प्रभु आप सहायता कीती गुरु विच आ के, ते की होया अंदर खुशी आनंद खेड़ा बज गया। हांजी, गुर की शरण पए पै नासे, साची दर कै माने, गुण गावत आराध नाम हर, गुण गावत आराध नाम हर, गुर की शरण पए पै नासे, साची दरगह माने। जदों असी गुरु की शरण विच आए, अपनी मैं नूं छड के अपना सारा कुछ त्याग के, ते मारे कहिंदे की होया पै नासे, अंदरों डर चले गए। साची दरगह माने, ओ सच्चे दी दरगाह विच हुण जानण लग पए, उस दरगाह विच मान प्राप्त होया। गुण गावत आराध नाम हर, आए अपने थाने, प्रभु दे गुण गाउंदिया गाउंदिया उस हरि नूं जदों हिरदे तों आराधना शुरू कीता, अपने निज स्थान ते आ गए, जिहनूं निज घर कहिंदे अपना, सहज अवस्था, चौथा पद, जिन्हों मैं अपनी साफ लफ्जां च पंजाबी च कह दिए कि असीं अपनी औकात विच आ गए। सानूं पता लग गया कि मैं कौन, मैं की करन आया, की कीता, की कर रहे हैं, की करना सी, की नहीं कीता, उदों पता लग गया। कहिंदे उस वेले अपने वजूद विच आ गए, अपनी औकात नूं समझ लिया, जान लिया कि प्रभु जी मैं तो कुछ भी नहीं सी, मैं तो अपने आप नूं एवें समझी बैठा सी बहुत वड्डा वड्डा, कुछ भी नहीं सी, साडी ते पाया ही कुछ नहीं सी। कहिंदे अपनी औकात विच, अपने निज घर स्थान विच आ बैठे हुण, जदों असीं परमात्मा नूं वेखिया, भाव बाणी इक शीशे वांगू है, जदों असीं बाणी दे सन्मुख हुंदे आ तां आत्मक तौर ते सानूं अपने दर्शन हुंदे ने, पता लगता कि मैं कौन हाँ, मेरे च किहड़े किहड़े औगण सन जिन्हां करके मैं उस मालक तों दूरी बनाई बैठा सी, मैनूं की करना चाहीदा जिहदे करके मेरा प्यारा, मेरा प्रभु मैनूं मिल जाए। हांजी, जय जयकार करै सब उस्तत, जय जयकार करै सब उस्तत, संगत साध प्यारी, साध बलिहार जाओ प्रभ अपने, जिन पूरन पैज सवारी, जय जयकार करे सभी उस्तत, संगत साध प्यारी। कहने वेखो गुरु दी प्यारी संगत जय जयकार कर दी उस मालिक दी, उस प्रभु दी, साध बलिहार जाओ प्रभ अपने, मैं अपने प्रभु तो हमेशा ही बलिहारी जाना, सदके जाना, जिन पूरन पैज सवारी, जिसने साड़ी उस प्रभु ने उस वाहिगुरु अकाल पुरख ने अपने दर ते आया दी इज्जत रख ली, साड़े औगुणा वाल नहीं वेखिया, क्योंकि साध संगत द्वारा मिल के बैठ के जदों असी भी उस प्रभु की जय जयकार करन लगे, उहदे गुणा नूं गहन करन लगे, उस प्रभु ने बड़ी कृपा की, बख्शिश की, अपने दर ते आया नूं सानू भी रख लिया। गोष्ट ज्ञान नाम सुन उधरे, जिन जिन दर्शन पाया, कयो कृपाल नानक प्रभ अपना, आनंद सेती कर आया, आनंद सेती कर आया।
गोष्ट ज्ञान नाम सुन उधरे जिन जिन दर्शन पाया। गोष्ट हुंदी है विचार, दो चीजां च बहुत फर्क है। विचार विचार करनी ते बहस करनी, दोवां चीजां वेखण नूं इक्को जिहियां लगदियां ने पर दोवां विच जिमी समान दा फर्क है। विद्वान लिखदे ने इस गल नूं कि विचार करदियां होइयां तुसीं दुश्मन नूं भी अपना मित्र बना लैंदे हो जे ज्ञान द्वारा विचार करदे हो, ते जे सिर्फ एवें सिर डाही जाणा उहनूं कहिंदे ने बहस करनी, ते बहस करदियां होइयां तुसीं अपने मित्रां नूं भी दुश्मन बना लैंदे हो। इस करके महाराज उन्होंने गोस्ट ज्ञान की गल करते हैं। गोस्ट ज्ञान नाम सुन उधरे जिन्होंने मिल के बैठ के बाणी नूं पढ़े है, बाणी नूं विचारे है, ज्ञानवान हो के जिन्होंने उस नाम नूं सुनिया है, तो महाराज कहने भाई उन्हों का उधार हो गया। जिन जिन दर्शन पाया, जिन्हां जिन्हां ने भी बाणी विचों सतगुरां दे दर्शन किए ने, क्योंकि ये अवस्थावां ने पहली अवस्था है दर्शन, दर्शन परसन हरसन सरसन, दर्शन परसे हैं गुरु कै जन्म मरण दुख जाए, ये अवस्था बनदियां ने। दर्शन हुंदे ही उदों ने जदों असी बाणी दी विचार करदे हां। जे असी कहीए कि गुरद्वारा साहब गए असी उपरों कपड़ा चुकिया रुमाला चुकिया तो असी दर्शन कर ले, ये दर्शन नहीं। पंचम पातशाह ने बाणी विच बड़े स्पष्ट लफ्ज़ां च गल कही कि डिठै मुक्त ना हो गई जिचर शब्द ना करै विचार, कि महाराज कहिंदे इस तरह करके शब्द की विचार करके बाणी नूं पढ़ के बाणी नूं विचार के जिन्हां जिन्हां ने भी प्रभु तेरे दर्शन किए ने, भयो कृपाल नानक प्रभ अपना आनंद सेती घर आया। ओ प्रभु उन्हां ते कृपा की बख्शिश की, तो महाराज कहिंदे भाई वह आनंद नाल अपने निज घर विच आ गए, अपने स्थान पर आ गए, उन्हां दी भटकना मुक गई, अंदर जिहड़ा मन दौड़िया फिरदा सी एक जगह स्थिर हो गया, हुण उस प्रभु नाल जुड़ गया। हाँ जी, सोरठ महला पंजवा रब की शरण सगल पै लाथे, दुख बिन से सुख पाया, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर त्याया, प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता, प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, गुण गावो रंग राता, गुण गावो रंग सोरठ महला पंजवा। प्रभ की शरण सगल पै लाथे, दुख बिन से सुख पाया, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर त्याया। ते महाराज नाम जपण दी अवस्था फिर दसदे ने कि नाम जपण नाल साडे मन विच साडे तन विच साडे जीवन विच की तब्दीलियां आ जांदियां ने, क्योंकि इहदे जपियां पता लगेगा ना। पर महाराज ने सानूं दसता फिर भी प्रभ की शरण सगल भै लाथे, जदों असीं प्रभु दी शरण विच आए कहिंदे सारे डर लथ गए, पहली गल ते हुण अंदर कोई डर नहीं है। दुख बिन से सुख पाया, दुख खत्म हो गए, वह सुख पा लिया जिहड़ा कि सदीवी सुख है, हमेशा रहने वाला अंदरला सुख जिहनूं असीं आत्मक सुख कहने अपना, कहिंदे वह सुख प्राप्त हो गया। दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुरु ध्याया, वह पार ब्रह्म वाहिगुरु अकाल पुरख सारी सृष्टि का स्वामी मालक जदों वह दयाल होया, उन्हें दया के घर विच आया, तो असीं पूरे सतगुरु नूं ध्याउणा कीता, क्योंकि उहदी कृपा तो बिना असीं सतगुरु नाल भी नहीं जुड़ते।
ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ, ਵੇਖਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਮਨਾ ਜਪ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਮਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੁਰਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਗ ਦਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ, ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲਾਈਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਮਾਰਕ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾਤਾ ਹੋ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਤੁੱਠੇ ਹੀ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਦਿਆਲੂ ਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਿੱਜ ਕੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਸਗਲ ਵਿਨਾਸੀ ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੋ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੋ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਅਵਿਨਾਸੀ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਅਵਿਨਾਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੋ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਅਵਿਨਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਰਟਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਹੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਾਉਂਦੇ। ਬੈਕਰੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ, ਚਿੰਤਾ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਇਆ, ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਕੋਈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੋ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਅਵਿਨਾਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਸ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਮਨ 'ਚ ਵਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਉ ਵਿਘਨ ਨਾ ਕਉ ਲਾਗੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੈ ਰਾਖੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੈ ਰਾਖੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੈ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੈ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇ, ਤਾਂ ਕਉ ਵਿਘਨ ਨਾ ਕਉ ਲਾਗੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੈ ਰਾਖੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਘਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ
परमात्मा दा मार्ग चरण कमल वो बस गए। अमृत हर रस चाखे, उन्होंने नाम रूपी अमृत दा रस चख्या है, उहदा आनंद लैंदे ने। इस करके उन्होंने दुनिया दे कोई भी विघन सता नहीं सकता, कोई भी रोक उन्होंने रोक नहीं सकती, क्योंकि सतगुरु ने आप कृपा करके अपने दर ते रखिया उन्होंने। हांजी, कर सेवा सेवक प्रभ अपने, कर सेवा सेवक प्रभ अपने, जिन मन की इच्छ पुजाई, जिन मन की इच्छ पुजाई, नानक दास ता कै बलिहार, नानक दास ता कै बलिहार, जिन पूरन पैज रखाई, जिन पूरन पैज। कर सेवा सेवक प्रभ अपने, जिन मन की इच्छ पुजाई। क्योंकि सेवक ने सेवा कीती, सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। मैं कर सेवा सेवक प्रभ अपने, अपने सेवक प्रभु दी सेवा करदिया होया सेवक ने जिन मन की इच्छ पुजाई, जिन्हें साढ़े मन दियां इच्छावां पूरियां कर दित्तियां, उस मालक दी उस प्रभु दी सेवक बन के जिन्हों सेवा कीती, कि साढ़े मन दी इच्छा पूरी हो गई सारी। नानक दास तां कै बलिहार है, ते पंजवें नानक पातशाह मारे कहिंदे, मैं उन्हां तों सदा बलिहार जाना, सदके जाना, जिन पूर्ण पैज रखाई, जिन्हां ने पूर्ण तौर ते साढ़े दर ते आयां दी इज्जत रख ली, माण रख लिया, साढ़े औगण नहीं वेखे, असी उस सतगुरु तो बलिहार जाने हाँ, सदके जाने हाँ। तो आओ गुरु अगे अरदास करिए, सच्चे पातशाह जीओ साढ़े ते भी कृपा करो, बख्शिश करो, साढ़े अवगुणा वेखो, तुसी कृपा करके इनाम की दात साड़ी झोली विच पौना करो जी, ता कि जदों असी इस संसार तो जाइए, लोक सुखीए ते परलोक सहले होके जाइए, हुई भुलां की खिमा मंगते हाँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा। मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं ए आणी, हम बारक हर प्रभ के हैं ए आणी।